अली अब्बास जफर की फिल्म टाइगर जिंदा है धीरे धीरे फैंस के बीच अपनी जगह बना रही है। फिल्म के ट्रेलर ने रिलीज होते ही रिकॉर्ड तोड़ सफलता पाई है। ट्यूबलाइट के बाद सलमान खान को फिर से एक्शन अवतार में देखने के लिए फैंस बेकरार हैं। खैर, ट्रेलर देखकर सिर्फ फैंस ही नहीं बल्कि ट्रेड पंडितों ने भी साफ मान लिया है कि फिल्म ब्लॉकबस्टर है। कोई शक नहीं कि सलमान खान की यह फिल्म 300 करोड़ क्लब में शामिल होगी। इतना ही नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर भी धमाका करेगी। टाइगर जिंदा है यशराज फिल्म से बैनर तले बन रही है, लिहाजा ओवरसीज में भी फिल्म को काफी बड़े स्तर पर रिलीज किया जाएगा। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि क्या 1000 करोड़ का आंकड़ा कर टाइगर आमिर खान की दगनल को टक्कर दे पाते हैं। यहां जाने क्यों सुपरहिट हो सकती है टाइगर जिंदा है। फिल्म की कहानी टाइगर जिंदा है के ट्रेलर में दिखाया गया है कि इराक में दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन 25 हिंदुस्तानी नर्सों को किडनैप कर लेता है और उन्हें बचाकर वापस लाने के मिशन की बात आती है तो सबको याद आता है टाइगर यानी सलमान खान की। जाहिर है देशभक्ति का तड़का लिए यह रियल लाइफ कहानी वाली फिल्म दर्शकों को सिनेमाघर तक खींचने वाली है। धमाकेदार एक्शन सलमान खान कैटरीना कैफ के एक्शन सीक्वेंस को इतना बेहतरीन कोरियोग्राफ किया गया है जो आपको कई हॉलीवुड फिल्मों की याद दिला सकता है। रोमांस वहीं, सलमान कैटरीना के रोमांस को देखना भला किसे अच्छा नहीं लगेगा। कोई शक नहीं कि फैंस इस रोमांस को देखने के लिए थिएटर तक जाएंगे। सुपर डॉयलॉग्स, शिकार तो सब करते हैं लेकिन टाइगर से बेहतर शिकार कोई नहीं करता। यह है फिल्म टाइगर जिंदा है का डायलॉग और इसी डायलॉग से साफ है कि यह फिल्म फैंस को क्रेजी करने वाला है। फिल्म में कई सुपर डायलॉग्स डाले गए हैं। सलमान खान जिस फिल्म में सलमान खान हो उसे हिट होने के लिए किसी और वजह से की जरूरत नहीं। सलमान खान को एक्शन अवतार में देखने के लिए फैंस बेताब हैं। रिलीज डेट फिल्म क्रिसमस के मौके पर रिलीज हो रही है 22 दिसंबर। फिल्म को 4 दिनों का लंबा वीकेंड मिल रहा है। कोई शक नहीं कि 4 दिनों में ही फिल्म 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेगी। फिर न्यू ईयर में धमाकेदार कमाई तो फाइनल है।